यो बाटो कहाँ जानो होलो, कहीं नहीं जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है। नया सफर, नई शुरुआत और नया चैप्टर। तो अभी हम निकल रहे हैं अपने घर से दूर हल्द्वानी शहर की ओर। वहाँ एक छोटा सा काम है, हमने कहा उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं और साथ में थोड़ा व्लॉगिंग भी कर लेते हैं, तो आपको दिखाते हैं कुछ कमाल की चीज़ें। तो चलो इस सफ़र का भी हिस्सा हो जाओ मेरी जान। पहाड़ के रास्ते पे चढ़ना आपको थोड़ा मतलब हिम्मत बांध के चलनी होती है। एक स्पीड से चलते रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे तो ज़्यादा थकान नहीं लगेगी, लेकिन अगर रुक रुक के चलेंगे तो गारंटेड थकान लगेगी। ये रास्ता खड़ी चढ़ाई का है। आ जा आ जा आ जा, देखो थक कर के हालत ख़राब हो गई इसकी। ठीक है चलो, नहीं आएगा। तो अब हम धार पे पहुंच चुके हैं। धार में थोड़ी सी सुस्ताने की जगह है। यहाँ पर आप अगर चढ़ाई चढ़ के आए हैं तो यहाँ पर ठहर कर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। नीचे हमारा पूरा गांव है, इसको हम नखुलधार कहते हैं इस जगह को। अब इसके पीछे लॉजिक क्या मुझे आज तक पता नहीं चला, लेकिन हाँ इसे नखुलधार कहा जाता है। स्वर्ग तारा जुनेली राता को सुना लो, ओए होए को सुना लो तेरी मेरी बात। स्वर्ग तारा जुनेली राता को सुना लो, ओए होए को सुना लो तेरी मेरी बात। स्वर्ग तारा। अब पहाड़ों पे चलोगे, पहाड़ी गाने नहीं गाओगे तो पहाड़ों वाली फील कहाँ से लाओगे? तो पहाड़ों की फील लेने के लिए हम कुछ पहाड़ी गाने भी गुनगुनाएंगे। अभी डर है कि पैरों में जोंक न लग जाए। देखो एक भयंकर जोंक लग गई है मेरे पैर में। पैर की तरफ चढ़ने का ट्राई कर रही है लेकिन अभी तक चढ़ नहीं पाई है। तो अब इसको निकालने के लिए क्या करना होगा कि हमको एक छोटे से पत्थर का इस्तेमाल करना होगा। इसकी जड़ को तोड़ना पड़ता है, जहाँ पर ये जड़ होती है वहाँ से हटा दोगे तो फिर ये हट जाएगी। देखो अब इसमें मैंने इसमें रख दिया इसको, अभी यहाँ पर से किसी और को निशाना बनाएगी। और ये ज़रूरी होती है क्योंकि ये खून साफ करती है, ऐसा कहा जाता है इसके बारे में। तो अभी हम निकल गए हल्द्वानी की तरफ को, दोनों भाई, और हल्के हल्के निकल रहे हैं। रोड बड़ी ये है हमारी सड़कें, पता नहीं ये ख़राब जैसी क्यों दिख रही हैं। आप हरियाली को देखिए ना, गड्ढों को इग्नोर करिए। तो इस तरीके से यहाँ की सड़कें हैं, इन पर आपको खुद ही अपना बचाव करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता ही है। ओहो दोस्तों, ये है कूल डूड जो बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चलाता है। देखो देखो, मीडिया का असर ऐसा हुआ कि पहन लिया है हेलमेट। आखिर हेलमेट पहन के अब क्यों नहीं चला पा रहा अच्छे से ये गाड़ी? जाम थोड़ी कहते हैं इसको, महा ट्रैफिक जाम है भाई साहब। देखो यहाँ से पूरा आगे तक कहीं कोई जगह नहीं है, बहुत ज्यादा है ना, बहुत ही बुरा ट्रैफिक जाम है यार, बहुत बुरा हाल है। हम पहुंचे आज हल्द्वानी पे, पगडंडी बनाया हुआ हमारे दीपांशु ने। तो अभी ये पूरी महफिल लगी हुई है, दीपांशु है ये, भुला है बोला नाम क्या तेरा? पारस है दीपांशु। अरे पारस तो छू करके वो सोना करता था, पता है तेरे बात? दीपांशु, शैल और गौरव और करण बाबू आ गए। करण बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ही शानदार। तो हम ना थोड़ा बहुत ऐसे ही मतलब माहौल बनाते हैं। बोला तू कैमरा पकड़ ले, ऐसे थोड़ा थोड़ा सबको लेते रहना ऐसा, ठीक है? जैसे मैं दिख रहा हूँ इसमें, बिल्कुल दिख रहा हूँ। तो यार दीपांशु ने सड़क पे बहुत खूबसूरत दिखा है, क्योंकि जब से सड़क आई है ना कुछ जगहों पर तो माहौल बदल गया। अब ये थोड़ा सा किस्सा मैं बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ, मैंने सड़क पे लिखा था, मतलब सड़क पे क्या लिखा था, मैंने उस पर लिखा था कि गाँव पे लिखा था, देहरादून पे था मैं। तो मेरा जो बॉस था उसने मुझे बड़ी गालियां दे दी थी घर आते वक्त। और मैं ना घर आते हुए तो सोच रहा था कि मैं क्यों फंसा हुआ हूँ इन शहरों में, और मेरा दिमाग खराब हुआ था। तब मैंने एक लाइन लिखी थी, मैं कोई बॉय रखा, तो मैंने लिखा था कि वो लोग जिनके गांव नहीं होते शहर से उड़कर कहाँ जाते हैं। तो मैं इस लाइन को मतलब मैंने बहुत संजो करके लिखा था, और रोष में भी लिखी थी, थोड़ा गुस्से में भी था कि यार अजीब आदमी, नौकरी कर रहा हूँ, गालियां वगैरह मुझे। तो मैं गांव आकर के सुकून पा रहा था थोड़ा सा, कि अगर गांव नहीं आता मैं तो नहीं हूं ना कुछ। तो वो लोग जिनके गांव नहीं होते शहर से उठकर कहां जाते होंगे। अब लेकिन गांव में सड़कें जब से पहुंची तब से गांवों को सड़क खा गई है। इस पर दीपांशु ने कुछ बहुत खूबसूरत लिखा है, वो सुना दीपांशु। मेरा भी छोटा सा किस्सा है, मैं रिपोर्टिंग के लिए गया हुआ था सल्ट उपचुनाव में। तो वहां पर एक अमर बैठे, तो अमर से पूछा है जिंदगी के सवाल की क्या क्यों लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला सड़क कितना ही बोला, तो माइंड थोड़ा सा एक लिखा था कि
जब से आई सड़क हाँ मेरे गांव में, गांव तब से नहीं मेरे गांव में, छोटे छोटे रास्तों को चौड़ा बनाकर, ऊंचे लंबे व्यक्तियों को बौना बनाकर, छोटे छोटे रास्तों को चौड़ा बनाकर, ऊंचे लंबे व्यक्तियों को बौना बनाकर, लगी किसकी नजर हाँ मेरे गांव में, गांव तब से नहीं मेरे गांव में, जब से आई सड़क मेरे गांव में, गांव तब से नहीं मेरे गांव में। वाह यार, क्या बात है भैया। बहुत ही शानदार। तो अभी ना क्या एक हल्का सा हम गिरदा का गीत गाते हैं, ठीक है? तो करण भाई हैं यहाँ पर, दीपांशु भाई, तो बढ़िया सा माहौल बनाते हुए अज्जू भाई भी आ गए हैं, खाना वाना ठूस करके। बढ़िया खा लिया, मस्त। तो यहाँ अज्जू है, अज्जू को भी दिखा दे थोड़ा, इधर इधर आराम रखे अज्जू को दिखा दे जरा। तो पिछड़े पहुंच पिछड़े नहा करके आया है आज। तो गिरदा की बात करते हैं यहाँ पर। गिरदा एक ऐसे इंसान है जिन्होंने हम सबकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाया है। तो मैं हल्की से लाइन शुरू करूंगा, बाकी करण भाई आप संभाल लेना आगे को, क्योंकि ज्यादा मैं संभाल नहीं पाता चीजें। हो या तुके नी लगाओ देख, गुन मुनई नी टेक, तुके नी लगाओ देख, गुन मुनई नी टेक, जता एक दिन तेरा लो दुनिया दुनी में, ओ जता एक दिन तेरा लो दुनिया दुनी में, कसली रात ब्याली पौ पटाल को कड़ाली, जदिन कठुली रात ब्याली पौ पटाल को कड़ाली, ओ जता एक दिन तेरा लो दुनिया दुनी में, ओ जता एक दिन तेरा लो दुनिया दुनी में, जदिन चोर नी फलला कह के जोर नी चलला, वो जदिन चोर नी फलला कह के जोर नी चलला, हो जता एक दिन तेरा लो दुनिया दुनी में, हो जता एक दिन तेरा लो दुनिया दुनी में। ठीक है ना, कितनी खूबसूरती से इस इंसान ने लिख दिया कि बेपरवाही में जाकर के आप लिख दिए कि एक दिन तो आएगा, चाहे तुम ना ले सको चाहे हम ना ले सको, जैसा कोई ना कोई तो ला लो यकीन नहीं होगा। भानुराम सुबोधी जी का एक गीत अच्छा। बहुत सस्ता सवाई को बलो सुआ, सवाई को बलो बिरा नमक बसन दो लाइन ही लिखी थी, क्योंकि हमेशा छोटा छोटा ही लिखता हूँ। हाँ। लिखा था कि ताला लगा मारो माँ, मारो मतलब दरवाजा, ताला लगा मारो माँ, जवान घूमा बजारो माँ, गोर बाखरा केक नहीं पटा बस दाना छोड़ा घर, कि गाय बकरी किसी ने नहीं पाल रखी है बस बूढ़े को घर में छोड़ दिया है। ये बूढ़ों वाली बात पे मैं अपने ननिहाल गया था बिहाली पे, तो हुआ क्या कि जिस घर में हमारा पूरा गांव, मतलब गांव के लोग मिलने आते थे, नाना जी के पास जाते थे जब बचपन में, ननिहाल हुआ पता ही मालापुर, तो भाई इस बार जब मैं गया था ना वहाँ ताले लगे थे, नाना नानी बैठी थी, पूरा महल ठंसा हुआ, बहुत बड़ा महल है जी, हमारा तो घर भी नहीं उतना बड़ा, उनका घर है लेकिन रहने वाला कोई नहीं, सब गए नहीं, वो कहने ना कि घर छोड़ कर नहा गया,
वो उनकी किनकी लाइन है कि ऐसी सड़क तुम अब पहुंची हो गाँव जब पूरा गाँव शहर जा चुका है। और इसमें भी एक कमाल की चीज है, पुनेठे साहब ने लिख तो दिया कि यार ऐसी सड़क तुम अब पहुंची हो गाँव, गाँव तक सड़कें पहुंची, कुछ जगहों तक तो आज तक नहीं पहुंची, वहां पर अभी भी वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पा रहे लोगों को, और जहां पहुंची इतनी चौड़ी पहुंची कि वो गांव का विनाश कर गई, वहां पर फिर वो मॉल रह गए और गांव कहीं खत्म हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है ना, अभी तक अस्पताल नहीं छे पहाड़ में, कहीं रहना थे मगे नहीं लागू होगी, मतलब जगह में कहीं ज्यादा परेशानी है, चलो भैया हल्द्वानी लेकर के आओ, कंधे में बिठाओ, कितनी खबरें हैं भाई। और सिर्फ ये कुमाऊं की बात नहीं है, गढ़वाल की भी बात है, और ये हर जगह की बात है। तो सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा है, वहाँ गर्भ वाला तो रोज का है, हर दूसरे तीसरे दिन खबर आती है कि गर्भवती महिला की डेथ हुई। और अफसोस की बात है ना, इस पर कोई काम करने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं, छोड़िए काम छोड़िए बात करने वाला नहीं, ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं ना सर, तो ट्रेंड बनी जाए तो इसीलिए फिलहाल हम इस महफिल को यहाँ रोकते हैं, हमारी अपनी बातें चलती रहेंगी। शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए, उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी, ऐसी पसंद करते रहिए, बहुत बहुत प्यार आपका।